जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहला लेक्चर जो है वो सॉरी पहला नहीं, ये पांचवा लेक्चर है इस चैप्टर का, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है पिच एंड लाउडनेस। पिच क्या होती है और लाउडनेस क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एवरी डे वी हेयर ए ग्रेट वैरायटी ऑफ साउंड, कहते हैं रोज हमें बहुत तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, वैरायटीज होती हैं उसमें। कोई गाड़ी की आवाज है, कुछ उसके हॉर्न की आवाज है, कोई शख्स बोल रहा है, कोई हमारा दोस्त बात कर रहा है, इसके अलावा पियानो की आवाज है। तो इस तरह हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, कोई अच्छी होती है, कोई हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, क्या है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। तो वी एंजॉय सम साउंड, कुछ हमारे कानों को अच्छी लगती है, एंड सम साउंड आर अनडिजायरेबल, अच्छी नहीं लगती। जैसे ये कुत्ते का भौंकना, गधे की आवाज, जहर ऐसी हमें अच्छी नहीं लगती। साउंड प्रोड्यूस बाई रेडियो, टेलीविजन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्रेजेंट। कहते जो साउंड रेडियो, टेलीविजन और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पैदा होती है, वो हमारे लिए खुशगवार होती है। क्या होती है? खुशगवार। जैसे आप पियानो की आवाज़ सुन रहे हैं म्यूजिक से, या कोई और आपको धुन सुनाई दे रही है, चिड़िया की आवाज़ है, तो ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ है जो हमारे कानों को क्या लगती है, अच्छी लगती है। क्या लगती है? अच्छी लगती है। साउंड प्रोड्यूस बाई मशीन, ट्रैफिक ऑन ए रोड आर अनडिजायरेबल। कहते हैं जो आवाज़ मशीनों से पैदा होती है और ट्रैफिक की आवाज़ होती है सड़क के ऊपर, ये हमें अच्छी नहीं लगती। अनडिजायरेबल यानी हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड, हम साउंड में कैसे फर्क देख सकते हैं, ये आज आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पिच एंड लाउडनेस आर करेक्टरिस्टिक, पिच और लाउडनेस ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं दैट हेल्प अस टू डिसाइड वाइदर ए साउंड इज प्रेजेंट आर नॉट। अब पिच और लाउडनेस के जरिए हम फैसला कर सकते हैं कि आवाज़ अच्छी है या नहीं। ठीक है, समझ आए? अभी आपको पता चल जाएगा कि पिच क्या होती है। अब देखें, हमने ये देखा है कि बच्चों की और खवातीन की आवाज़ बारीक होती है और जो मर्द हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो उसको हम ग्रेव साउंड कहते हैं। तो वो उसकी वजह ये होती है, हमारे गले के अंदर एक वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पे जो आवाज़ पैदा करता है, वाइब्रेट करता है। खवातीन में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तेज़ी से वाइब्रेट करता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जबकि मर्दों में उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करता, इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो क्या होती है, ग्रेव होती है। ख़वातीन की आवाज़ श्रिल इसलिए होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उनकी वाइब्रेशन की ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मर्दों की आवाज़ जो है वो ज़रा ग्रेव होती है। ग्रेव का मतलब ये है कि मतलब भारी सी आवाज़ आपको, लेकिन ख़वातीन की आवाज़ बारीक होती है और बच्चों की आवाज़ भी बारीक होती है। द वॉइस ऑफ गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ बॉय, कहते हैं लड़की की आवाज़ लड़कों से ज़्यादा श्रिल होती है। श्रिल का मतलब ये है बारीक होती है। द डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच, पिच की वजह से। ए श्रिल साउंड इज कॉल्ड ए हाई पिच साउंड, श्रिल साउंड को कहते हैं इसकी पिच ज्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेयर एज लेस श्रिल साउंड इज कॉल्ड ए लो पिच साउंड, और जो जिसकी आवाज ज्यादा श्रिल नहीं है, ग्रेव है,
तो उसको हम लो पिच साउंड कहते हैं। पिच इज श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड। पिच क्या होती है? श्रिलनेस, श्रिल कहते हैं यानी बारीक, ग्रेव कहते हैं मोटी या मतलब जैसे मोटी बेदबी आवाज, जैसे मर्दों की चलो कह लो आवाज है, उसको हम कहते हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। पिच का इनासार किस पे है? फ्रीक्वेंसी पे है, साउंड वेव की। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच ज्यादा होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, खवातीन या बच्चों में, छोटे बच्चों में उनकी आवाज़ बारीक होती है, उसकी वजह ये होती है उसका जो वोकल कॉर्ड है ये गले के अंदर जहाँ से आवाज़ पैदा होती है वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है। अब जितनी तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो हम कहेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि पिच भी ज़्यादा होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच भी ज़्यादा होगी, आवाज़ श्रील होगी। तो अगर मर्दों में या बॉयज़ में, बड़े बच्चों में, छोटे में नहीं, इनकी आवाज़ ग्रेव होती है यानी भारी होती है, उसमें जो वोकल कॉर्ड है उसकी वाइब्रेशन कम होती है और इसकी आवाज़ वजह से आवाज़ भारी महसूस होती है, ठीक है। तो वो उसकी वजह कि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी वजह से हम कहेंगे कि पिच भी कम है। समझ आया? तो ये था एक्टिविटी 1.1, 10.1, फ्रीक्वेंसी एंड पिच। अब वो कह रहा है कि रोटेट द व्हील ऑफ बाइसाइकिल एज शोन इन द फिगर। वो मुझे ख्याल नहीं रहा यहाँ दिखाना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चलो आपको मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि वो अभी जरा उसको तलाश करना मसला होगा। तो अब आप एक बाइसाइकिल लेके ना उसको स्टैंड पे खड़ा करें और उसका जो है पिछला पहिया जो है वो घुमाएं। किसकी मदद से? पैडल के जरिए। पैडल को घुमाएंगे, पिछला पहिया घूमेगा स्टैंड पे खड़ा। तो उसके अंदर आप पहिए घूमते हुए पहिए में एक गत्ता दे दें, ठीक है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी गति की आवाज़ जो है बारीक होती जाएगी, स्पीड कम करने गति की आवाज़ मोटी होती जाएगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आवाज़ बारीक हो रही है। क्या हो रही है? आवाज़ बारीक हो रही है। आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आवाज़ जो है वो मोटी हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आवाज़ बारीक हो रही है, ठीक है। जितना आप वो स्पीड से पहिया घुमाएंगे पैडल के जरिए उतनी आवाज़ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। जितनी स्पीड ज्यादा होती जाएगी आवाज बारीक होती जाएगी और पिच बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आप हल्की सी ब्रेक लगाते हैं स्पीड कम होती है, उसके जरिए फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, पिच भी कम होगी और गति की आवाज जो है आपको मोटी सी आएगी, ठीक है। टच ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू द स्पोक्स ऑफ रोटेटिंग व्हील। कह रहे हैं आप रोटेटिंग व्हील के जो वायर्स होती है उसके जरिए हम वायर लगा दें तो अच्छा है। तो तारे नहीं होती उसकी। ठीक है, वायर्स ऑफ द रोटेटिंग व्हील एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब आप ये देखें कि आवाज़ जो पैदा हो रही है वो आप देखें कैसी आवाज़ पैदा हो रही है, ठीक है। नाउ इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग व्हील। अब आप इसकी स्पीड बढ़ा दें। अगेन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब दोबारा देखें कि आवाज़ कैसी पैदा हुई है। क्या है? आवाज़ कैसी पैदा हुई है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हील। अगर आप व्हील की स्पीड बढ़ा देते हैं द साउंड बिकम मोर श्रिल। आवाज़ बारीक हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने की वजह से, ठीक है। जैसे आप पहिए की रफ्तार बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आवाज़ जो है श्रिल हो जाएगी।
ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट पिच ऑफ साउंड हैज इंक्रीज, इसकी पिच जो है वो क्या हो रही है, बढ़ गई है। ठीक है, जितनी स्पीड बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, यानी वो तारे गत्ते के साथ जो टकरा रहे हैं ना वो ज्यादा तेजी से टकराने लग गए। साइकिल की तारें गत्ते के साथ जो टकरा रही है वो ज्यादा तेजी से टकराने लग जाएंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हमें आवाज जो उससे आएगी वो ज्यादा श्रिल होगी। जैसे आप कम कर देंगे तो वो कम टकराएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच भी कम हो जाएगी, आवाज आपको मोटी सी आएगी, बेदबी सी आवाज आएगी। ठीक है। एक्टिविटी 10.2, मेक हाई एंड लो पिच साउंड। कहते हैं हाई और लो पिच साउंड आप कैसे पैदा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक दो तीन चार पांच ग्लास है, तो आप एक में थोड़ी सी शुगर डालें, उसमें ज्यादा इस तरह बढ़ाते जाएं, एंड पे बहुत ज्यादा डालें। अब ये देखें, इसका एरिया वाइब्रेशन ज्यादा है, जो पहले वाला इधर लेफ्ट साइड पे है, दूसरे का एरिया वाइब्रेशन कम हो गया, ये और कम हो गया, एंड पे बिल्कुल थोड़ा एरिया रह गया जो वाइब्रेट करेगा, जो नीचे चीनी आ गई है। क्या है, नीचे चीनी आ गई है, या पानी भी डाल सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे ये वाली पहली जो है इसकी आवाज़ ज्यादा बारीक होगी, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी। ये वाली जो है इसकी आवाज़ जो है वो क्या होगी, ये बेधबी सी होगी या ग्रेव होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। वजह यह है कि एरिया भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया भी कम हो जाएगा। वी विल नीड, अब इसमें क्या हमें जरूरत है, 5 एम्प्टी ग्लासेस, मेटल स्पून और वाटर। अब हमने इसमें पानी डाला है, चीनी भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हमने इसमें पानी डाला है, मुख्तलिफ लेवल का पानी डालने की वजह से जिसमें पानी ज्यादा होगा उसका एरिया वाइब्रेशन क्या होगा, वो कम होता जाएगा। लेकिन इसका एरिया वाइब्रेशन कम है, ये वाइब्रेशन का एरिया उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये वाला सबसे ज्यादा एरिया वाइब्रेशन होगा हमारे पास। वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब हमने मुख्तलिफ पानी जो है ना अमाउंट, देखें इसमें राइट पे जो है ये ज्यादा है, इस तरह लेफ्ट पे बहुत कम है पानी। ठीक है, पानी की मुख्तलिफ मिकदार हमने डाल ली। केयरफुली टेप ईच ग्लास विथ स्पून। अब आप क्या करें, स्पून के साथ हर ग्लास को बजाएं। ऑब्जर्व व्हाट यू हेयर। अब आप देखें आपने क्या सुना। अरेंज द ग्लास फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट साउंड। अब आप क्या करें, लोएस्ट साउंड, इसकी साउंड कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया भी कम है वाइब्रेशन का, और वाइब्रेशन भी कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि इसकी पिच जो है वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इस तरह जैसे आगे जाएंगे पिच और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, आवाज़ आपको बारीक सी सुनाई देगी। ठीक है, क्लियर। अरेंज द ग्लासेस फ्रॉम लोएस्ट टू द हाइएस्ट साउंड। अच्छा, विच ग्लास हैज द लोएस्ट पिच, जो बिल्कुल राइट साइड पे इसकी पिच सबसे कम होगी। ठीक है, और विच ग्लास हैज द हाईएस्ट पिच, और जो लेफ्ट साइड पे इसकी पिच जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, समझ आए, क्योंकि इसका एरिया भी ज्यादा है और इसके अलावा क्या है कि वाइब्रेशन भी इसकी ज्यादा होगी। क्या होगी, इसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और पिच जो है ज्यादा होगी, जो राइट लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे ये पिच जो इसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि इसके एरिया वाइब्रेशन भी कम है और वाइब्रेशन कम इसमें पैदा होगी। ठीक है, मुख्तलिफ आवाजें आएंगी आपको, आप ये तजर्बा करके भी अभी देख सकते हैं बाद में घर में। अच्छा, ये लाउडनेस क्या है, समटाइम वी नीड टू शूट इन ए लाउडर वॉइस। बाद में हमें ऊंचा बोलने की जरूरत पड़ती है, वी हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा एनर्जी, हमें मजीद एनर्जी की जरूरत होती है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस का इनसार एम्पलीट्यूड पर है। एम्पलीट्यूड का मतलब यह है कि ये जो फासला है ये इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ऊपर या नीचे ये सारा
मेन पोजीशन से वेव का जो फासला होता है इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, आप देखें स्पीकर जितना बड़ा होगा आवाज ज्यादा होगी, क्योंकि जो स्पीकर जो है वो ज्यादा बड़ा होगा तो एम्पलीट्यूड भी उसका वाइब्रेशन का ज्यादा होता है, आवाज ज्यादा पैदा होती है, जिसको वो स्पीकर कहते हैं, और डेक वगैरह मेरे ख्याल कहते हैं। ठीक है, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउड द लाउडर द साउंड। कहते हैं जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा आवाज जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी? आवाज ज्यादा होगी। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश सॉफ्ट साउंड फ्रॉम ए लाउड साउंड। ये सॉफ्ट और लाउड साउंड के दरमियान फर्क वाजे करती है लाउडनेस। सॉफ्ट का मतलब जो हमारे कानों को तकलीफ नहीं पहुंचाती आवाज, उसको हम सॉफ्ट साउंड चलो कह रहे थे। ठीक है, फ्रॉम ए लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन ये है कि एक लाउडर साउंड है और एक सॉफ्ट साउंड है। सॉफ्ट वो हो गई जो हमारे कानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और लाउड साउंड नुकसान पहुंचा सकती है, जरूरी नहीं वो नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब ये देखें, ये इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये आवाज ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसका भी एम्पलीट्यूड, ये एक ही साउंड आ रही है जो हम देख रहे हैं, ये दूसरी साउंड है। अब इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये आवाज सॉफ्ट होगी। क्या होगी? सॉफ्ट होगी। ठीक है, मेकिंग साउंड। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक साउंड, बट इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन साउंड आर मेड। कहते हैं ये आवाज पैदा करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये मुश्किल है देखना कि क्या हो रहा है उसमें, आवाज कैसे पैदा हो रही है या बन रही है। अच्छा, अब ये देखें, एक हमारे पास बड़ा सा बॉल है, इसके ऊपर स्पून से आप हल्का सा टच करेंगे तो आवाज पैदा होगी। हिट ए स्पून ऑन द एज ऑफ ए एम्प्टी बॉल, लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब आवाज देखें पैदा हुई है। ट्राई इट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पे आप ट्राई करें, जाहिर है आवाज पैदा होगी ना। जैसे आप इसको हल्का सा टच करेंगे, बजाएंगे, तो ये टूट ना जाए, तो आवाज क्या होगी? क्रिएट होगी। क्या होगी? क्रिएट होगी। आप ये कर सकते हैं। ठीक है, रूलर। अब ये रूलर पड़ा हुआ है मेज के ऊपर, के एज पे आप इसको ऊपर नीचे आप प्रेस करें तो आवाज पैदा होगी। होल्ड वन एंड ऑफ ए स्टील रूलर ऑन द एज ऑफ ए टेबल, पुश डाउन द अदर एज ऑफ रूलर। एक साइड को प्रेस करके रखें, दूसरा ऊपर नीचे पुश करें। लेट इट गो एंड ट्राई टू हेयर साउंड। अब जाहिर है इसमें भी आवाज पैदा होगी, जो वाइब्रेशन पैदा होगी तो आवाज पैदा होगी। ये आप ट्राई करके घर पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, विंड इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, इसको फ्लूट कहते हैं, ये जो बजा रहा है ना, क्या कहते हैं? बांसुरी या फ्लूट। फ्लूट इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूटिस्ट, फ्लूटिस्ट वो बजाने वाला, हैज टू ब्लो इट टू मेक ए म्यूजिक। इसमें वो कहते हैं ब्लो करता है, हवा देता है, ठीक है, मुंह के जरिए से, जिसकी मदद से ये बजना शुरू होता है। फ्लूट्स आर हॉलो ट्यूब विद ए माउथ पीस, इसमें माउथ पीस होता है। ये जो यहाँ पे है ना जगह बनी हुई, उसको माउथ पीस कहते हैं। मुंह के जरिए इसमें ब्लो करते हैं ना। ये होल्स कैन बी क्लोज टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ फ्लोर। अब ये इसके ऊपर सुराख बने होते हैं, इधर आपको पता होगा, तो वो उसकी मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं आवाज को, मुख्तलिफ तरह की आवाजें। द होल्स कैन बी क्लोज टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इन साइड द ट्यूब। ए फ्लूट कैन बी मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की हो सकती है, मेटल और प्लास्टिक की। फ्लूटिस्ट चेंजेज द साउंड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग द होल इन द फ्लूट। अब वो कहते हैं आवाज को तब्दील करता है, वो सुराख जो है ना उसको बंद करके और खोल कर मुख्तलिफ सुर, चलो कह लो, आवाजें निकालता है उसमें। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो नो सर, काफी है इतना। कल
कल के लिए यही काम है, आप ये एक्टिविटीज जो है ना घर पे एक दो जो है वो परफॉर्म करके देखें, ठीक है? ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सब करवा लूँगा।